Daily Bulletin is presented by Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchhale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government ETI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले लाते हैं नेशनल न्यूज से खबर, जहां पर हम आपको बता दें कि किस तरह से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दिन में हो गया था ग्लोबल आउटेज, जिसकी वजह से आपको बता दें कि काफी बड़े प्रॉब्लम्स हो चुके थे। ऑब्वियस बात है कि कई सारे लोगों के पर्सनल चैट्स रहते हैं, पर्सनल टाइम रहता है, किसी के जो है बिजनेस जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की वजह से। तो जो आपको बता दें कि रात में 11:45 को जो ग्लोबल जो उनका ये हुआ था, जहां पर कई सारे जगहों से एरर मैसेज आ रहा था, उसके बाद ये सर्विस रिज्यूम हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गौरव वलाब, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे और आने वाले वक्त में वो कैंडिडेट भी बन रहे थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी को ज्वाइन किया है। और एंटी सनातन स्टांस जो कांग्रेस का था, उसी को चलते हुए उन्होंने नाराजगी जताई है और पार्टी को स्विच कर दिया है। सेंटर ने हाई रिस्क वार्निंग दी है आईफोन, आईपैड और मैकबुक यूजर्स को। यहाँ इंडिया का जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, यानी CERT, हाई रिस्क वार्निंग दी है एप्पल के आईफोन, मैकबुक, आईपैड को और प्रोविजन प्रो हेडसेट्स को। ये क्रिटिकल वार्निंग इसलिए आ रही है कि जो रेंज ऑफ एप्पल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, जो एप्पल सफारी वर्जन आ रहे हैं 17.4.1 के प्रायर जो है, उसमें जो है थोड़े टेक्निकल वल्नरेबिलिटी है जो कि थ्रेट हो सकती है, जहां पर रिमोट अटैकर्स जो है अलाउ कर आर्बिट्री कोड डालकर टारगेट कर सकते हैं सिस्टम्स को, जिससे लिवरेजेस आउट ऑफ बॉन्ड हो सकते हैं। इस तरह की बात जो है ये चल रही है, वो टेक्निकल बात है। आमतौर पर जो है जितने भी लोग आईफोन यूज करें, थोड़ा आप केयरफुल रहते हुए अपने डेटा को शेयर करें, क्योंकि शायद जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सिक्योरिटी एडवाइजरी आई है उसके बिहाफ में जो है ये बात रिलीज की गई है। अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024, डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीज। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करें और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा कि पीएम नींद कर रहे हैं ओपीएम लेने के बाद। यानी कि एक आम तौर पर मतलब जो मैं क्या बोलूँ आपको, जो हिंदी में बोलना उसका जो वर्थ ठीक नहीं रहेगा, लेकिन खड़गे जी ने कहा कि इंडिया चाइनीज के जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है उस पर पीएम मोदी को उन्होंने डायरेक्ट किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को कंट्री की परवाह ही नहीं है, उन्होंने वो बिजी हैं सिर्फ गांधी फैमिली को अब्यूज करने के लिए, जिन्होंने इस नेशन के लिए अपने लाइफ सेक्रीफाइस किए हैं। मोदी ने कहा कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं किसी से डरता नहीं। अगर आप डरते नहीं तो फिर इंडिया का लार्ज पार्ट आपने चाइना को क्यों दे दिया है? क्या आप सो रहे हैं? क्या तुमने कोई नींद की गोली खा रखी, या तुमने फिर राजस्थान से ही ओपीएम यानी कि जो नशे का एक पदार्थ होता है ओपीएम जिसे हम कहते हैं ड्रग्स जो कहते हैं, या कोई आपको दे दिया है? आमतौर पे जो ओपीएम जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं अफीम। सीधे कर्नाटक की सबसे बड़ी आपको खबर लाते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बहुत बड़ा एक गंभीर मसला बन चुका है कर्नाटक में, क्योंकि अर्ली समर है उसमें ही गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। हीट वेव को टैकल करने के लिए आपको इंडोर्स रहना है 3 बजे तक। प्लीज आपसे गुजारिश, 12 से 3 तक का ये टाइम बहुत डेंजरस टाइम है, डिहाइड्रेशन है, तो आप अपने साथ साथ अपने जानवरों का भी ख्याल रखें, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, पानी का इंतजाम करना शुरू कर दें और बी केयरफुल। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, गुलबर्गा के खास तौर पर आसपास के लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और लेकिन एक बड़ी मजबूरी में बता रहा हूं कि जो लोग रोज करके खाते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है बोलिए। अगर आप काम नहीं करेंगे तो रोज के 300 रुपए नहीं आएंगे, घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्कीम निकालनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए उन जनता को जो धूप में कारोबार नहीं कर सकते। कर्नाटक से एक और खबर हम आपको ला रहे हैं, जहां पर हम आपको बता दें कि एक बच्चा फंस गया था बोरवेल में। 20 घंटे के ऑपरेशन के बाद उस बच्चे को जिंदा निकाला गया। बीजापुर से आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स टीम ने और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम ने सक्सेसफुली 1.5 साल का जो बच्चा है वो जो ओपन बोरवेल में गिर गया था लच्छेन विलेज इंदी तालुक विजयपुर में, उस बच्चे को 16 फीट डीप वो बच्चा जा चुका था, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाकर बच्चे का ट्रीटमेंट किया, वो बच्चा बिल्कुल जो है अब कंट्रोल में है। कर्नाटक के मिस्टर MB पाटिल ने SDRF का शुक्रिया अदा करा और विजयपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा किया। 20 घंटे लगे, कंटिन्यूस एफर्ट डाला है और बहुत बड़ी बात है, तो हमारे ओर से भी ये बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आप सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग बोरवेल मार रहे हैं भाई, बोरवेल मारने के बाद ऊपर फर्शी तो रखें, कुछ बोर्ड तो रखें, लेकिन ऐसे बोरवेल से खुले ना रखें।
उसका गुलबर्गा से आपको खबर लाते हैं। गुलबर्गा में आपको बता देंगे किस तरह से एमपी इलेक्शंस को चलते हुए तैयारी चल रही है। हमारी टीम की स्पेशल सर्वे हमने लिया है जहां पर कई सारे लोगों ने बताया है कि राधाकृष्ण के साथ वो खुश हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ वो खुश हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो डिसीजन लिया है राधाकृष्ण जी को फील्ड करने का, उस पर भी उन्होंने सहमति अपनी जाहिर की है। करते हैं, अच्छा काम करते हैं, क्या भी करो कांग्रेस जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है, उम्मीद है। और कांग्रेस जी जब आए, कांग्रेस इंशाल्लाह यहाँ कांग्रेस का गढ़ है। मगर इन 5 सालों में बीजेपी ने सेंटर में हुकूमत रहते हुए मगर हमारे लिए कुछ नहीं किया। मगर अब जो कांग्रेस सरकार इख्तदार में आने के बाद यहाँ की ख्वातीन को जो बस फ्री की है और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और जो जो भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरत टॉवर्स एमएसके मिल रोड गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसेश्वर कॉलोनी अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुला कॉलोनी अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जवरगी रोड। दूसरी तरफ बात करें, राधाकृष्ण जी ने यादगिरी को विजिट किया था। यादगिरी में उन्होंने कई सारे लोगों से मुलाकात की, कई सारा वार्म वेलकम का वहां पर हुआ। मैलापुर गांव में वो मौजूद रहे, वहां की फेमस टेंपल में जाकर उन्होंने वहां पर दर्शन की और साथ साथ वहां के कार्यकर्ता के साथ मुलाकात भी की और उनके कुछ लोगों के साथ जो पार्टी के गुड फेथ के जो लोग हैं उनके जो है वेडिंग्स भी उन्होंने अटेंड की। इस मौके पर डीसीसी जगदेव गुत्तार जी भी यहां पर मौजूद रहे और कई सारे कांग्रेस पार्टी के ग्रास रूट लेवल के लीडर्स भी यहां पर मौजूद रहे। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, वी आर नॉट एट अवर बेस्ट पर्च एट द समिट, वी आर क्लाइंबर्स एट अवर बेस्ट व्हेन द वे इज स्टीप। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Darga Road, Gulbarga. आज हम pomegranates, यानी आप इफ्तार में आप अनार खा रहे होंगे। अनार क्या teeth, skin और hair के लिए बड़ा अच्छा है, stomach को infection से बचाता है, पेट को ठंडक देती है basically, और arthritis को elevate करता है और cancer और premature aging से भी आपको बचाता है। कॉमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय बेग न्यूरोसाइकियाट्री हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर, डॉक्टर अब्दुल राफी मुख्तदिर बेग, एमबीबीएस एमडी साइकियाट्री कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, अपोजिट गवर्नमेंट टीटीआई दरगाह रोड एसटीबीटी, 24/7 इमरजेंसी साइकियाट्री सर्विसेज। तो सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है शेख ख्वाजा अली का, सलाम तारबे रमजान का चौथा जुमा मुबारक, आप सबको मुबारक। और कई सारे लोगों ने सलाम और जुमा मुबारक लिखा है, आपको बहुत ही बहुत मुबारक। इलेक्शन में लीडर्स अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। मोहम्मद बेगम लिख रहे हैं, अच्छा डिसीजन लिया आपने, लिख रहे हैं तारबे 24 आवर वाटर सप्लाई स्टार्ट कब होगी, डिले हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मैं समझता हूँ 2 साल टाइम लगेंगे अब इसको बनने के लिए पूरा। तार ग्रीन इंडिया बोल के बड़े बड़े ऑफिसर्स एमएलए एमपी और कॉर्पोरेट एक्टिंग करते हैं, ना प्लान लगाओ बोलते हैं, कहीं से भी सूख रहे हैं। अपोजिट सभा फंक्शनल हागरगा रोड, आप भी दूसरे ने ये बात लिखी है। रमजान अलविदा, माह रमजान जुमा मुबारक लिखे हैं इंजीनियर रहमान। मुसफ़ तबरीज़ लिखे हैं, तार सार भाई जगह बात जगह पोल को लाइट नहीं है, आने वाले मुश्किल हो रहा तरावे पढ़कर, कौन से एरिया में आप बताइए सर। हचीरजन इज़ फेमस फॉर गर्मी, गर्मी में धूप नहीं तो क्या बर्फ़ गिरना है, ये हर साल सेम रहता 40-42 होता है, वी हैव टू एक्सेप्ट, नहीं तो मोदी बोले जैसा बोलना पड़ता, हमारी बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो गई है। अब्दुल माजिद लिख रहे हैं, इसी मैटर बेंगलुरु से ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, शायद ऊपर से रोज़े मजे का ट्रांसफ़र कर लेते जानो बल्कि, अब्दुल माजिद लिख रहे हैं। देखिए ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर जिम्मेदारी है कि हर किसी को जो है टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हीट वेव जो आ रही है, गर्मी रहना एक अलग है, हीट वेव जिसको बोलते ना टेक्निकली, हीट वेव बहुत अलग चीज़ होती है। हीट वेव में क्या है, गर्म लू आती है, धूप तो रहती है, टेम्परेचर 42 डिग्रीज रहता है, नो प्रॉब्लम इज दैट, लेकिन 42 डिग्रीज में अगर आपको हीट वेव मिली ना तो उसमें जल्दी आदमी बीमार हो जाते हैं। शेख शुएब ने अलविदा रमज़ान लिखा है और ऑन पैसिव लिख रहे हैं, रमज़ान में दुआ करिए कबूल होती है पैलेस्टाइन के लिए, उन्होंने कहा है, और कांग्रेस के लिए दुआ की बात कर रहे हैं। इसराइल जो इंडिया से काम करने जा रहे हैं वो काम कर रहे हैं ना, अपने जान दे रहे हैं, लिख रहे हैं मोहम्मद जावेद। बुशरा भी लिख रहे हैं, तार भाई मैं आज मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मगफिरत दुआ करें, अल्लाह जो है उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, घर वालों को सब्र अता फरमाए। बुशरा भी बहुत अफसोस हुआ मैं बात सुनकर कि वालिद जो होता है एक बहुत बड़ी जो है शख्सियत होती है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक रहें।
बैट बॉल लिख रहे हैं, झाड़ लगाना चाहिए गुलबेगा में लिख रहे हैं। कदम जानी लिख रहे हैं, सच में बहुत गर्मी है गुलबेगा में लिख रहे हैं। 21 वार्ड नंबर में 8 दिन से ज़्यादा हुआ नल नहीं खुला है लिख रहे हैं। यानी फ्लाइट फिर गुलबेगा टू हैदराबाद, गुलबेगा टू हैदराबाद बिल्कुल फेल हो चुका है फ्लाइट्स का मसला। हवील नॉर्थ में से गुजारिश है कि पानी की किल्लत है जहाँ पर, वहाँ पर हेल्प कीजिए, रमजान का महीना है। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KVM यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लोथ मर्चेंट्स, पावर्ड बाय बेग न्यूरोसाइकियाट्री हॉस्पिटल एंड द एडिक्शन सेंटर अपोजिट गवर्नमेंट TTI दरगाह रोड SDBT।